इवन ऑफलाइन क्लासेस में तो ऑन द स्पॉट स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर कर ही सकता है। ठीक, इसके साथ आपको लगता है कि हमारे पास डाउट्स ज़्यादा है तो, और क्लासेस में अदर टॉपिक चल रहा है, आपको अदर टॉपिक में डाउट है, हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सोनम चौधरी फ्रॉम प्लूटस आईएएस। आप सभी को इंतजार है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बैच का। तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के बैच के रिगार्डिंग मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी क्या डेट रहेगी, क्या उसका टाइमिंग रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये इंतजार भी आपका खत्म हो गया है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, आप जब भी अपना कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी फैकल्टी है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट फैकल्टी है क्या उनका नाम है, क्या उनके क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अपडेट होनी चाहिए और साथ ही आपका बैच साइज क्या रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जो आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच है उसमें जो आपकी फैकल्टी रहेंगी वो रहेंगी डॉक्टर हुमा हसन मैम। ठीक है, डॉक्टर हुमा हसन मैम शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट जेएनयू यूनिवर्सिटी फॉर सोशियोलॉजी। ओके, तो ये आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। अब वो बात करते हैं आपके इस बैच की कि आपका बैच कब से स्टार्ट है और क्या इसका टाइमिंग है। तो देखिएगा, जो आपका बैच स्टार्ट है उसकी डेट रहेगी 15th मार्च, यानी कि 15th मार्च से आपका ये न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे। ठीक है, आपके इस बैच का जो टाइमिंग है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, सुबह 9 बजे से आपका ये बैच स्टार्ट रहेगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप मॉर्निंग में अपना बैच कंटिन्यू ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं हम इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, जब आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच स्टार्ट करते हैं क्या आपकी क्लासेस रहेंगी। ठीक है, क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का। तो देखिएगा, जो आपकी क्लासेस होंगी, अब स्टूडेंट चाहे ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन नहीं क्लासेस ले सकते तो क्या हम लोग ज्वाइन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आप प्लूटस आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के साथ, जिसमें आपकी क्लासेस होंगी लाइव। ठीक है, आप अपनी सेम क्लास लाइव देख सकते हैं सुबह 9 बजे के टाइमिंग में। ठीक है, आप भी काफ़ी इजीली प्लूटस आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं एंड इसके साथ ही ऑफलाइन स्टूडेंट्स की क्लासेस भी लाइव ही रहेंगी। ठीक है, आप क्लासरूम क्लास अपनी इजीली ले सकते हैं एंड जिन बच्चों का इशू है कि हम लोग ना ऑफलाइन ले पा रहे हैं और ना ही ऑनलाइन ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा हाइब्रिड का। ठीक है, जब भी आप कंफर्टेबल हैं अपने क्लासरूम लेने के लिए तो आप इजीली क्लासरूम क्लासेस अपनी ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी सेम क्लास लाइव भी ले सकते हैं, तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, आपके पास दोनों की फैसिलिटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन, राइट। अब देखो होता क्या है कि जो लाइव क्लासेस बच्चे ले रहे हैं ऑनलाइन की, उन लोगों को ये डाउट रहता है कि हम लोग अपना लाइव क्लास में कभी कोई डाउट आता है क्या उसे पूछ सकते हैं, कैसे हम वो चीज़ अपनी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए ऑप्शन रहता है कि लाइव क्लासेस में ऑनलाइन आपको माइक और चैट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, माइक को म्यूट करके आप इजीली अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं या फिर चैट ऑप्शन के थ्रू भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये दोनों फैसिलिटी आपके पास होती है इजीली अपना डाउट क्लियर करने के लिए। ठीक है, इवन ऑफलाइन क्लासेस में तो ऑन द स्पॉट स्टूडेंट अपना डाउट क्लियर कर ही सकता है। ठीक, इसके साथ आपको लगता है कि हमारे पास डाउट्स ज़्यादा हैं तो, और क्लासेस में अदर टॉपिक चल रहा है, आपको अदर टॉपिक में डाउट है, एवरी सैटरडे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सैटरडे अपने लिए डाउट सेशन अरेंज करा सकते हैं। ओके, ये आपके पास डाउट के लिए इजीली ऑप्शंस होते हैं, तो कोई भी डाउट रहने का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं आपके क्लास शेड्यूल की कि आपका क्लास शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए, जो आपकी क्लासेस होंगी वो क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, एवरी सैटरडे
एवरी सैटरडे आपको आपकी वीकली टेस्ट रहेंगे प्लस आपका डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड एवरी सैटरडे आपका टेस्ट होगा। इसके साथ ही कोई भी आपका डाउट है या फिर आप इंडिविजुअल डाउट सेशन लेना चाहते हैं तो भी अपनी सब्जेक्ट फैकल्टी के साथ इजीली ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपके बैच साइज की। बैच साइज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि आपका बैच साइज क्या है, ठीक है। तो आपका जो बैच साइज है काफी स्मॉल रहेगा जिसमें केवल 40-50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रहेगी ओवरऑल, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड तीनों को मिला करके आपकी जो बैच स्ट्रेंथ है वो केवल 40-50 स्टूडेंट्स रहेगी। इससे ज्यादा बैच साइज नहीं होगा, इतने बैच साइज में इजीली आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। सो आप ये सुनहरा मौका मत खोइएगा रूटेस आईएएस के साथ जुड़ने का। तो इस ऑप्शनल बैच में जुड़ने के लिए काफी अच्छे से आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा कर अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड इसी तरह की वीडियोस को जानने के लिए आप रूटेस आईएएस में हो रहे हर नए बैच से स्टार्टेड की जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।